हेलो एवरी वन माई वेलकम बैक टू द स्टडी विद मी आई एम अबाउट टू प्लग माई सोशल अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करा है एंड आप मेरी वीडियो को

के लिए सुनना बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है। आर सपोज टू टेकर्स एंड इन तीनों ने मिलकर कुल 42 बच्चों को मारा था 42 टू कैस दैट नंबर इज वन टू बिग टू बी अराउंड सीमा गावित रेनुका शिंडे एंड अंजना बाई ये केस है तो इन तीनों के बारे में बट इट स्टार्ट फ्रॉम अंजना बाई अंजना बाई नासिक में एक बहुत ही ज्यादा गरीब घर में पैदा हुई थी और पेट पालने के लिए बहुत ही छोटी उम्र से अंजना को चोरी करनी पड़ी थी अंजना बाय को ये चीज़ पता थी कि दुनिया बस पैसों पे चलती है तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनके मेथड्स और भी ज़्यादा शार्प एंड और भी ज़्यादा अनोटिसबल होने लगे जो कि एक चोर के प्रोफेशन के लिए तो अच्छा है बट नॉट इन एनी अदर वे अंजना बाय के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम इन्फो है पर ऐसा कहा गया था कि अंजना ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था और एक एज के बाद वो अपना खर्चा खुद चोरी करके उठाती थी She was प्यार हो गया एंड वो उसके साथ पुणे भाग कर आ गई और इस ही बस ड्राइवर से शादी करने के बाद अंजना बाई को अपनी पहली बेटी हुई थी जिनका नाम था रेनुका शिंडे शी वॉज फाइनली गेटिंग सम पार्ट ऑफ हर हैपीनेस पर रेनुका के पैदा होने के बाद अंजना के पहले पति बस ड्राइवर ने माँ बेटी दोनों को छोड़ दिया वो किसी और और सिटी में भाग गया और उसने वहां जाकर दोबारा शादी कर ली इस समय दोनों अंजना बाई एंड उनकी बेटी रेनुका पुणे में ही थे तो पुणे का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है और अंजना बाई के पास उस समय कोई काम नहीं था तो अंजना बाई ने रेनुका अपनी बेटी को यूज करके चोरी करना शुरू कर दिया यूज करके कैसे उसने चोरी करी है? मैं आगे बताऊंगा थिंग। एंड अब दोनों माँ बेटी साथ में चोरी करते थे तो रेनु का एक ऐसी उम्र से चोरी करने लगी थी जब उसे ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है आई मीन इट इज अंडरस्टैंडेबल कि पुणे बहुत ही ज्यादा महंगा है एंड उसका पति भी उसे छोड़ के चले गया था पर अंजना बाई काम कर सकती थी बट वही होता है अपनी ओल्ड से अंजना बाई ने वापस चोरी शुरू कर दी प्रॉब्लम नाइनटीन सेवेंटी फाइव में अंजना बाई ने दोबारा शादी करी पर इस बार मोहन गावत से जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर था और मोहन के साथ अंजना बाई की दूसरी बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था सीमा गावित ये थोड़ा सा हैप्पी न्यूज है एंड ये सुन के तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा उसकी फैमिली वापस आ गई बट दैट नॉट द केस सी अंजना का नाम शहर में बहुत ही ज्यादा खराब था और पुणे की पुलिस दोनों माँ बेटी अंजना और रेणुका को ढूंढ रहे थे तो बार बार पुलिस के घर आने की वजह से पूछताछ करने की वजह से मोहन गावित इन दोनों से तंग आ गया एंड उसने कुछ टाइम बाद अंजना बाई को छोड़ दिया एंड एग्जैक्टली अंजना बाई के फर्स्ट हस्बैंड की तरह वो भी किसी और के साथ शादी करने चले गया अब अंजना बाई रेणुका और सीमा गुजारा करने के लिए चोरी करते थे जिसमें अब अंजना बाई और रेणुका सीमा को यूज करते थे एज अ बेट अब ये बेट बेट क्या है पैटर्न समझो तुम लोग पहले अंजना बाई बचपन से ही चोरी करती थी जो कि उसने अपने माहौल से सीखा था पर बचपन में चोरी करते हुए अंजना बाई को यह चीज़ समझ आ गई थी कि एक बच्चे का चोरी करना और एक एडल्ट का चोरी करना दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बातें हैं इसीलिए जब अंजना बाई की पहली बेटी पैदा हुई रेणुका तो उसने रेणुका को चोरी के लिए यूज़ करा क्योंकि एक माँ जिसके पास एक बहुत ही नन्ही बच्ची है वो अगर चोरी करते हुए पकड़ी गई तो कोई भी आदमी उस पर शक नहीं करेगा और जब एक पॉइंट के बाद रेणुका बड़ी हो गई तो अंजना बाई ने सेम चीज सेम टैक्टिक्स बस सीमा को यूज करके करना शुरू कर दिया एंड आई अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो कि चोरी आदमी अपने मन से नहीं करता है, है ना हालात करवाते हैं चोरी एक आदमी से स्पेशली अगर तुम लोग पॉवर्टी में पैदा हुए हो तो इट्स अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विच लेट ऑल थ्री ऑफ देम टू पेटी क्राइम्स पर हाँ ऐसे अंजना बाई अपने बच्चों को यूज करके चोरी करती थी आई होप दैट मेड सेंस एंड अपनी पूरी लाइफ इन तीनों ने ये करके छोटी मोटी चोरी सामान की चोरी और लोकल ट्रांसपोर्ट के पास जेब कतरी का करके काट दी पर रेणुका जब बड़ी हुई तो उसने किरण शिंदे से शादी कर ली थी जो कि एक टेलर था और वहीं पुणे में रहता था शादी के बाद रेणुका का एक बेटा भी हुआ था पर ये तीनों मां बेटी अभी भी थेफ्ट के रास्ते पे ही थे एक दिन 1990 में छतुर श्रृंगी टेम्पल में रेणुका अपने बच्चे के साथ एक मंदिर गई थी बहुत देर लाइन में खड़े होने और दर्शन करने के बाद कुछ मंदिर में आए श्रद्धालु लोगों को ये लगा कि उनके पर्स या वॉलेट खाली हो गए हैं और उन्होंने रेणुका को मंदिर से तेजी से बाहर निकलते हुए देखा तो मंदिर में आए लोगों ने रेणुका को पकड़ के उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया एंड एवरी बडी कॉर्नर है तो अपने आप को बचाने के लिए रेणुका ने अपने बच्चे को आगे कर दिया और कहा कि देखो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मेरा छोटा बच्चा रोने लगा है मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैंने कोई चोरी नहीं करी है एंड टू हर सरप्राइज एवरी वन बिलीव्ड हर सब लोग ये कहने लगे कि इतने छोटे बच्चे की माँ चोरी नहीं कर सकती उसके पास तो बच्चे को ढंग से संभालने का टाइम नहीं है तो वो पैसे कैसे चोरी करेगी तो मंदिर में आए सभी लोगों ने रेणुका से माफी मांगी और उसे वहां से जाने दिया द फनी थिंग वॉज इट वॉज रेणुका हु स्टोल दी मनी रेणुका ने ही चोरी करी थी पर इस इंसिडेंट से उसे ये समझ आ गया था कि अगर पास में एक बच्चा हो तो लोग बड़े से बड़ी गलती नज़रअंदाज कर देंगे और इस इंसिडेंट के बाद तीनों माँ बेटियों ने इस फैक्ट को लेके चोरी करना शुरू कर दिया एंड यू वोंट बिलीव कि ये प्लान उनके लिए कितना सक्सेसफुल था 1990 से 1996 तक पेरेंट्स फॉर लिविंग इन टेरर इन छः सालों में चालीस बच्चे या तो गायब हो गए थे या फिर मारे गए थे ये बच्चे ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके से चुराए जा रहे थे जैसे कि पुणे की सड़कों से या फिर थाने कल्याण कोल्हापुर और नासिक से सभी बच्चों की उम्र चार महीने से पाँच साल तक की थी सो लिटरली एक्चुअल किड्स और हाँ चालीस में से कुछ केसेस में माँ बाप या फैमिली मेंबर्स ने बच्चों के मिसिंग होने की खबर या रिपोर्ट भी पुलिस में नहीं लिखाई पर अंजना बाई रेणुका एंड सीमा ये तीनों बहुत ही ज्यादा चालाक थे एंड ये ये तीनों ऐसा ट्राई करते थे कि बस ये गरीब लोगों के बच्चों को उठाए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये है कि गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं है आई मीन इन हायर अप्स एंड चीज यहाँ पर ये थी कि गरीब लोग ज्यादातर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाते जिससे अंजना बाई रेणुका और सीमा का काम बहुत आसान हो जाता था और यहाँ एक और बात जाती थी कि शिंडे, जो कि जो का था, वो भी इन में माँ-बेटियों की मदद करता था। ये बच्चे उठाने का काम अंजना और, और किरण करते थे और इसके बाद किरण ही वैन खुद चला के इन लोगों को डंप यार्ड में ले जाता था जहां मोस्टलीस किड्स वैसे तो इन लोगों ने कहीं सारे बच्चे उठाए थे पर इनका पहला विक्ट था से इनका पहला विक्टम था एक कोल्हापुर में रह रहे, रहे भिखारी का बेटा जिसको रेणुका ने जुलाई 1990 में अगवा कर लिया था ये बच्चा जस पैदा ही हुआ था तो ऑब्वियस सी बात थी कि ये बहुत रो रहा था इसलिए रेणुका ने इस छोटे बच्चे को यूज करने का प्लान बनाया रेणुका इस बच्चे को कोलापुर से पुणे लेके आई और यहाँ लाकर इसने इस बच्चे को नाम दिया संतोष एंड 1991 में ये तीनों वापस संतोष को लेकर कोलापुर गए क्योंकि इन्हें पता था कि अप्रैल के महीने में बहुत बड़ी तादाद में अमीर लोग आते हैं महालक्ष्मी मंदिर में मन्नत मांगने या फिर प्रेयर करने तो अंजना बाई ने सीढ़ी के पास खड़े होकर संतोष को पकड़ के रखा एंड सीमा एंड रेणुका मंदिर के अंदर जाकर चोरी करने लग गए पर शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद एक फैमिली ने सीमा को पर्स उठाते हुए देख लिया था और उस पूरी फैमिली ने सीमा को पकड़ लिया अब हर एक सेकेंड के साथ सीमा के आसपास भीड़ जमा हो रही थी तो अंजना बाई ने संतोष को यूज करने की सोची उसने बहुत ही ज्यादा जोर से सीढ़ियों से नीचे संतोष को धक्का मार दिया और संतोष बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोया जिसकी वजह से सबका ध्यान सीमा से संतोष की तरफ हो गया वो सब लोग इस बच्चे के पास जा रहे थे तो इस मौके का फायदा उठाकर सीमा वहां से भाग गई एंड क्योंकि संतोष इतने फोर्स से सीढ़ियों से नीचे गिरा था तो पर काफी सारी चोट आई थी पर तो मैं पता ही है इंडियन क्राउड कैसा होता है ठीक है सब लोग भीड़ जमा कर लेते हैं पर हेल्प कोई नहीं करता है इसीलिए संतोष जहाँ सीढ़ी के पास गिरा था वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ तो जमा हो गई थी पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था इनफैक्ट कोई भी उसको छू भी नहीं रहा था पहले तो तीनों माँ बेटियाँ यहाँ से भागना चाहती थी पर फिर अंजना बाई को लगा कि अगर इस बच्चे को किसी ने देख लिया और पुलिस के पास ले गया माने कि गलती से अगर इस बच्चे के किसी ने हेल्प कर दी तो पुलिस हर एक चीज को ट्रेस करके इन तीनों तक पहुंच जाएगी तो अंजना बाई रिक्शे से उतरी वो संतोष के पास गई उसने संतोष को पैर से उठाया और फिर संतोष का सर पकड़ के उसने जोर से जोर से पास के एक इलेक्ट्रिक पोल पे उसका सर मार दिया बहुत बार एंड कुछ बार संतोष का सर इस पोल पे मारने के बाद संतोष वहीं पे मर गया एंड स्टिल लोगों ने कुछ नहीं करा पुलिस का कहना है कि लोग वहाँ सब कुछ देख रहे थे वड़ा पाव खाते हुए किसी ने ना पुलिस को बुलाया ना कॉल लगाया ना अंजना को रोका और इसके बाद अंजना बाई संतोष की बॉडी लेकर रिक्शा में बैठकर कर वहाँ से भाग गई इस टाइप के जल्लाद थे ये तीनों आई शुड नॉट गिव माई बायस ओपिनियन बाई हु डज दैट थिंग टू अ किड वो भी एक साल का बच्चा संतोष वॉज जस्ट वन ईयर ओल्ड बट या जितने भी बच्चे ये तीनों उठाते थे हर बार ये बस अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उन बच्चों का यूज़ करते थे या फिर ये उन बच्चों को तब मारते जब ये बच्चे रोते थे क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब तेरह बच्चों की बॉडी मिली तो उसमें यह था कि बच्चों को या तो बार बार मार कर या फिर सीढ़ी और किसी ऊंची ऊंचाई से फेंक कर मारा गया था टू देम इट मैंट नथिंग ये बस उनकी चोरी के लिए एक हेल्प थी जो कि वो कभी भी उठा सकते थे कभी भी फेंक सकते थे और कभी भी वहां से निकाल सकते थे इन तीनों को ये फर्क नहीं पड़ता था कि इन बच्चों की फैमिली पर क्या फर्क पड़ता होगा इन बच्चों पे क्या फर्क पड़ता होगा या फिर अगर कभी ये पकड़े गए ऐसे काम करते हुए तो इन तीनों के साथ क्या होगा दे वर्ट केयर ऑफ पीपल दे वर्ट्स केयर ऑफ द लॉ एंड दे वर नॉट ऑफ द इनर वॉइस कहीं सारे बच्चों को मारने की बात हो रही है यहाँ पर हाउ डिड देयर हार्ट अलाउ दिस थिंग रेणुका का तो खुद का बच्चा था राइट हाउ डिड शी हाउ डिड शी डू इट आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंग एंड इफ यू थिंक कि जो संतोष के साथ हुआ दैट हॉरिफाइंग इन अनदर केस इन तीनों ने बाजार में से एक ढाई साल की बच्ची को उठाया एंड हाफ ओल्ड उठायाड इन्होंने उसे किडनेप करा पर जब वो बच्ची रोना बंद नहीं कर रही थी तो इन्होंने इसे भी मार दिया और एक हैंड बैग में इसकी बॉडी को डाला फिर ये तीनों मूवी देखने चले गए इन्होंने मूवी देखी और मूवी एंड होने के बाद यह रियलाइज हुआ कि इस बच्चे की बॉडी तो अभी भी इन्हें के पास है सो वॉट दॉज कि ये तीनों फीमेल वॉशरूम में गए उन्होंने ये बॉडी से भरा बैग फीमेल वॉशरूम में रख दिया कोने में और ये लोग वहां से चले गए अगले दिन जब एक वर्कर को ये बॉडी मिली और उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट करा तो पुलिस के इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि इस बच्चे का सर भी किसी दीवार के अगेंस्ट मारा गया था बहुत बार इसी लिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि नाइनटीन से नाइनटीन तक पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा दहशत में थे इस सोच में थे कि जो ये बच्चे चोरी हो रहे हैं इनमें से कहीं अगला बच्चा हमारा ना हो माँ बाप बच्चों से नजरें नहीं हटा रहे थे उन्हें खेलने नहीं देते थे बाहर एंड ये तीनों अलॉन्ग विद किरन ऑसो ये तीनों आज़ाद थे देवर लिविंग इन पुणे देवर डूइंग द क्राइम्स इन डिफरेंट प्लेसेज याद होगा पहले से, तो जो अंजना का था, मोहन गावित उसने इन तीनों को छोड़ दिया था। well, मोहन ने अंजना बाई को छोड़ने के बाद प्रतिभा नाम की लेडी से दूसरी शादी कर ली थी एंड मोहन एंड प्रतिभा के साथ में दो बच्चियां थी जिसमें से बड़ी वाली का नाम था क्रांति और वो नौ साल की थी और दूसरी बच्ची अभी पैदा ही हुई थी एंड एलर्जिडली जलेसी की वजह से 1996 में इन्होंने क्रांति को भी अगवा कर लिया और फिर अपने घर से वापस लाते समय बीच में ही जब इन्होंने एक बड़े गन्ने के खेत को देखा तो इन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी क्रांति को खेत में ले जाकर इन तीनों ने वहाँ मार दिया और उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया दे हैव थॉट कि पिछले चालीस खून की तरह इस बार भी हमें कुछ नहीं होगा दे वॉन्ग प्रतिभा वॉज फिल्ड विद रेज एंड उसने पुलिस कंप्लेंट लिखाई एंड फिर क्रांति की बॉडी को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई जैसे ही इन तीनों माँ बेटियों को ये पता चला कि पुलिस इन्हें ढूंढ रही है ये तीनों अंडरग्राउंड हो गए थिंकिंग कि कुछ दिन अगर हम यहाँ छुपे रहेंगे तो पुलिस स्लैक करके हमें ढूंढना बंद कर देगी ये लोग तीन महीने तक छुपे रहे पर फिर अपनी ही गलती की वजह से ये पकड़े गए नाइनटीन नवम्बर नाइनटीन को जब ये तीनों दोबारा मोहन के घर गए उसकी दूसरी छोटी बेटी को किडनैप करने तो पुलिस ने इन्हें मोहन के घर में ही अरेस्ट कर लिया हाउ कैन दे बी सो डम वेन द न्यू दिस थिंग कि प्रतिभा ने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल करी है बट टू बी ऑनेस्ट अंजना बाई सेकंड टाइम उनकी फैमिली को बर्बाद करने जा रही थी सो इट इज प्रोवन दैट शी वॉज डूइंगी ओनली तीनों अंजना बाई सीमा और रेणुका को क्रांति को अगवा करने और मौत के लिए चार्ज करा गया पर फिर लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स फ्रॉम पुणे थाने कल्याण एंड कोल्हापुर इन सभी ने जब सिमिलर केसेस इन तीनों से लिंक कराए तो उनकी पनिशमेंट बढ़ गई थी कहीं जगह विटनेसेस थे इनके खिलाफ तो कहीं जगह एविडेंसेस थे एंड अब इन तीनों का बचना नामुमकिन था बट अरेस्ट होने और जेल में जाने के सिर्फ दो साल बाद ही अंजना बाई की जेल में ही तबीयत खराब हो गई एंड शी डाइड एट दिफ्टी वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आई विटनेस थे इस केस में जिन्होंने अंजना बाई रेणुका और सीमा को देखा था क्राइम सीन पर या फिर क्राइम करते हुए और पहले इन क्राइम्स में किरण का नाम भी आ रहा था और वो भी अरेस्ट होने ही वाला था पर फिर एट द लास्ट मोमेंट उसने अपनी बीवी का साथ छोड़ दिया और पुलिस का विटनेस बन के उसने पुलिस को सारी डिटेल्स प्लान्स और डेट्स बता दिए कि कैसे ये लोग चोरी करते थे और कैसे ये बच्चों को उठाते थे और कहाँ ये बच्चों को फेंकते थे कौन प्लान बनाता था और सबका इन प्लान्स में क्या क्या रोल रहता था एंड एट द एंड पुलिस ने किरण को एक स्निच होने के लिए ट्रेड दी एंड उन्होंने उसे इन्फॉर्मेशन के लिए जाने दिया सेशन कोर्ट कोलापुर में इन बहनों पर तेरह किडनेपिंग और दस मर्डर के चार्जेस थे पर एविडेंसेस कम होने की वजह से बस छह ही मर्डर इनसे लिंक हो पाए स्टिल ऑन थर्टी अगस्त 2006, Supreme Court ने दोनों बहनों को सेंटेंस सुनाई। Everyone was happy, पर फिर हो गया ये केस कोर्ट में बहुत लंबा खिंच गया और सीमा एंड रेनका जब जेल में थे दे प्लीड And खेशते खेशते, ये केस चला एटीन जनवरी ट्वेंटी तक जब हाई कोर्ट ने इनकी डेथ सेंटेंसिंग को लाइफ एम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया पेरेंट्स जिनके बच्चे गायब हुए थे वर नॉट हैप्पी विद दिस सेंटेंसिंग वो चाहते थे कि इन दोनों को सच में फांसी हो जाए बल्लमीन दिखते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या राय है तुम्हें तो क्या लगता है हाई कोर्ट का ये फैसला सही था या फिर गलत बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई डोंट टू एड एनी केस स्टडी और इसी के साथ अंजना सीमा और रेणुका का केस यहीं पर समाप्त होता है बिफ़ोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस थिंग कि अगर आपको ट्रू काम्स डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी आई होप यू गाइज़ आर हेल्दी प्लीज़ कीप योर लव वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सुन बाय बाय